I fear not the man who has practiced 1,000 kick once, but I fear the man who has practiced 1 kick 1,000 times. Bruce Lee मार्शल आर्ट की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई व्यक्ति अनजान हो। मार्शल आर्ट की जब भी बात की जाती है, Bruce Lee के नाम सबसे पहले लिया जाता है। आज भी मार्शल आर्ट के चाहने वालों के लिए उनका दर्जा भगवान से कम नहीं है। हालांकि Bruce Lee ने बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उन्होंने मेहनत, अपनी कला और विलक्षण प्रतिभा से पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया और आज भी पूरी दुनिया में उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले लोग हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। Bruce Lee को मार्शल आर्ट का बादशाह कहा जाता था। Bruce Lee इतने तेज थे कि कैमरा भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। उन पर फिल्माए गए हर वीडियो को स्लो मोशन करके देखना पड़ता था। Bruce Lee हर रोज 5,000 से भी ज्यादा पंच मारकर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस किया करते थे। सन 1962 में Bruce Lee एक फाइट के दौरान अपने प्रतिद्वंदियों को सिर्फ 11 सेकंड में 15 पंच और एक किक मारकर हरा दिए। कहते हैं ना कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और उसका एक जीता जागता उदाहरण है Bruce Lee, जो मात्र 32 साल की उम्र में ही इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि रहती दुनिया तक उन्हें याद रखा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि Bruce Lee के अंदर वो कौन सी बात थी जिसके वजह से वो हमेशा भीड़ से अलग रहे, Bruce Lee के अंदर वो कौन सी बात थी जिससे वो इतने महान बने, और कैसे वो मात्र 32 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनका जन्म 27 नवंबर सन 1940 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। उनका रियल नेम ली जून फैन था, जो उन्हें एक नर्स ने दिया। उनका पिता का नाम ली हुई चुएन था, जो कि एक फेमस ऑपरा सिंगर थे। दोस्तों, ऑपरा सिंगर के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, ऑपरा सिंगर एक नाटकीय संगीत है जिसमें कुछ लोग गाना गाते हुए एक्टिंग करते हैं। इस तरह के संगीत को यूरोप कंट्रीज में बहुत पसंद किया जाता है। Bruce Lee के माता का नाम ग्रेसियो था। उनका जन्म के 3 महीने के बाद ही उनका पूरा परिवार हांगकांग वापस आ गए, जहां उनके पिता के जन्मभूमि थे। Bruce Lee के पिता एक फेमस ऑपरा सिंगर होने के कारण हॉलीवुड मूवीज के ज्यादातर लोग उन्हें जानते थे, और इसी के कारण सिर्फ 3 महीने की उम्र में ही हॉलीवुड मूवी गोल्डन गेट गर्ल में उन्हें एक बच्चे का रोल प्ले करने का ऑफर मिला। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और Bruce Lee बतौर एक बाल कलाकार फिल्मों में काम करते रहे, और मात्र 16 साल की उम्र में ही वह 20 से भी अधिक फिल्मों में काम कर चुके थे। उनकी बचपन की बात की जाए तो उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कैथोलिक ला शेली स्कूल में की थी, और फिर आगे का पढ़ाई जारी रखने के लिए सैन फ्रांसिस एग्जीपियर कॉलेज में ट्रांसफर हो गए। ली जब स्कूल में थे तब वे हमेशा किसी न किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, और इसी के कारण उनके पेरेंट्स उन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में ज्वाइन करने का निर्णय लिया, और उस समय फेमस मार्शल आर्टिस्ट इप मैन उन्हें ट्रेन किया। इप मैन से उन्होंने जो सीखा उसका प्रदर्शन उन्होंने हांगकांग की गलियों में शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह मजबूत होते गए, इतने मजबूत कि उन्होंने कुछ ही दिनों के बाद ही कई लोगों को बुरी तरह से पीट दिए। दोस्तों, ये वो समय था जब चाइनीज लोग कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे। बातों बातों पर सड़कों में लड़ाई झगड़े की खबर आने लगी थी, और देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगे और इन विरोधों ने दंगों का रूप ले लिए। पूरा हांगकांग अपराध, गरीबी और भूखमरी जैसी बड़ी समस्या से जूझने लगे। आम लोगों को सरकार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब उसने उन्हें निराश किया तब लोगों ने विरोध का सुर तेज कर दिए। इसी दौरान एक बड़ी संख्या में युवा इन विरोधों का हिस्सा बनने लगे। Bruce Lee भी उनमें से एक थे। उन्होंने टाइगर ऑफ द जंक्शन स्ट्रीट्स नामक एक गैंग भी ज्वाइन कर लिया था। हालांकि ये कारनामे उनके लिए बहुत भारी पड़ी और उनका नाम क्रिमिनल लिस्ट में आ गए। तब उनके पिता ने उन्हें सुरक्षित जीवन देने के लिए अमेरिका भेजने का निर्णय लिया। अमेरिका आने के बाद Bruce Lee को अपना खर्चों के लिए कुछ तो करना था, इसलिए उन्होंने पार्क में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। दिसंबर 1960 में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम भी किए। फिर आगे का पढ़ाई जारी रखने के लिए एडिशन टेक्निकल स्कूल में ज्वाइन किया, जहां से उन्होंने डिप्लोमा की डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने ड्रामा में मेजर की डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन लिया, जहां पे उनकी मुलाकात लिंडा एमरी से हुई, जो आगे जाके उनकी पत्नी बनी, जिससे उनकी एक लड़का और एक लड़की हुई। उनका लड़का का नाम ब्रैंडन ली और लड़की के नाम शैनन ली है। पिता की तरह ही ब्रैंडन ली भी अभिनय में ही अपनी किस्मत को आजमाया, लेकिन दुर्भाग्य से सन 1993 में एक फिल्म के शूटिंग के दौरान उन्हें गोली लग गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। वही Bruce Lee की बेटी शैनन ली भी अमेरिका की अभिनेत्री है और हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन उनकी भाई की मृत्यु होने के बाद उन्होंने भी एक्टिंग करना छोड़ दी। मार्शल आर्ट के प्रति Bruce Lee के जुनून इतना बढ़ गया था कि उन्होंने कॉलेज भी ठीक से कम्प्लीट नहीं किए, और सन 1964 में कॉलेज से ड्रॉप आउट होके सिएटल में एक मार्शल आर्ट की स्कूल खोला।
फिर कुछ दिन बाद वह अपना पूरा परिवार के साथ ओकलैंड चले गए, जहां उनकी मुलाकात जेम्स एम ली से हुई। जेम्स एम ब्रूस ली से 20 साल के बड़े थे और वह चाइना के एक पॉपुलर मार्शल आर्टिस्ट थे। उन दोनों ने मिलकर ओकलैंड में जून फैन मार्शल आर्ट्स नाम की एक स्टूडियो खोला। धीरे धीरे ब्रूस ली को सभी लोग पहचानने लगे, एक बड़ी संख्या में युवा उनके पास आने लगे। फिर जेम्स ली ने ब्रूस ली को एड पार्कर से मिलाया, जो अमेरिका के बहुत बड़े जाने माने मार्शल आर्टिस्ट थे। एड पार्कर ने ली को लॉन्ग बीच इंटरनेशनल कराटा चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कहा और ब्रूस ली ने उस चैंपियनशिप में इस तरह का कुछ स्टंट दिखाए जिसे सभी लोग देख के हैरान हो गए। जहां एक तरफ ब्रूस ली मार्शल आर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जा रहे थे, वही दूसरी तरफ एक्टिंग की दुनिया से बहुत दूर चले गए। और एक मार्शल आर्ट्स एग्जीबिशन के दौरान टेलीविजन प्रोड्यूसर विलियम डोजियर की नज़र उनके ऊपर पड़ी और उन्होंने ली को एक टेलीविजन शो करने का ऑफर किया। उसके बाद फिर से ब्रूस ली एक्टिंग जगत में प्रवेश किए और कई टीवी सीरियल में काम किए। सन 1967 उन्होंने एक फेमस टीवी सीरियल द ग्रीन हॉर्नेट में केटो नाम के एक रोल प्ले किया, जो उस टाइम अमेरिकन ऑडियंस ने बहुत पसंद किए। शुरुआत में ब्रूस ली छोटे पर्दे पर दिखाई दिए, उनका अभिनय जानदार था, बावजूद इसके उन्हें बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। इस पर कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें वापस हांगकांग जाके एक बार ट्राई करना चाहिए। असल में वह बनने वाली फिल्मों में जिस तरह का कैरेक्टर की जरूरत होती थी, उसके लिए ब्रूस ली एकदम फिट थे। ली को ये सलाह ठीक लगी और वे हांगकांग आ गए। हांगकांग आने के बाद मानो उनकी किस्मत की ताला खुल गए। अमेरिका में जो टीवी सीरियल में उन्होंने काम की द ग्रीन हॉर्नेट, वही 6 महीने के बाद हांगकांग में रिलीज हुई और वो शोज काफी हिट हुए और इसके चलते ली हांगकांग आते ही काफी पॉपुलर भी हो गए थे और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़के नहीं देखा। और सन 1971 में उन्होंने हांगकांग में और एक फेमस टीवी सीरियल में काम की जिसका नाम था लॉन्ग स्ट्रीट। फिर उसी साल उन्हें एक मूवी में लीड रोल करने का ऑफर आया जिसका नाम था बिग बॉस और ये फिल्म पूरे एशियन कंट्रीज में बहुत चली। अब ब्रूस ली एक जाने माने एक्टर बन चुके थे। इसके बाद सन 1972 में उनकी अगली फिल्म आई फर्स्ट ऑफ फ्यूरी और ये मूवी भी पूरे बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब वे ना तो केवल एशियन कंट्रीज में बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके थे। फिर ली ने अपनी तीसरी मूवी वे ऑफ द ड्रैगन के लिए खुद का एक प्रोडक्शन कंपनी खोली और वे खुद ही ये मूवी के डायरेक्टर प्लस कोरियोग्राफर थे। ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट हुए। फिर हॉलीवुड के वार्नर ब्रदर्स ने उन्हें एक बिग बजट फिल्म एंटर द ड्रैगन में एक लीड रोल करने का ऑफर किया और ली ने उसे एक्सेप्ट भी किया, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म रिलीज होने के 6 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है 10 मई सन 1973 को हांगकांग में एक फिल्म के शूटिंग के दौरान ब्रूस ली के सर में चोट लगे थे। इस चोट से उनके सर में सूजन आ गई, जिसको उनकी मौत की एक बड़ी वजह माना गया। अपनी मौत से एक दिन पहले ली गेम ऑफ डेथ फिल्म के बारे में फिल्मकारों से बात कर रहे थे, उसी दौरान उनके सर में और एक बार दर्द हुए। तब उनके साथी ने उन्हें दर्द की गोली ला कर दी और वे होटल में रेस्ट करने के लिए चले गए। रात को जब वे डिनर के लिए नीचे नहीं आए, तब उनके साथी उनके कमरे में पहुंचे जहां वे बेड पे पड़े हुए थे और अस्पताल ले जाते जाते आधा रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दी। इसी तरह केवल 32 साल की उम्र में मार्शल आर्ट की दुनिया का एक चमकता सितारा अपने चाहने वालों को मायूस करके चले गए। वो कहते हैं ना कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, उन्होंने ये प्रूव कर दिया। केवल 32 साल के छोटे से जीवन काल में पूरी दुनिया को अपना फैन बना दिया। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगली वीडियो आप किसके बारे में देखना चाहते ये भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।